तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के समय फिर आ गया हूँ, आपका अपना भाई जीसान अली। और जो मेरा आज का व्लॉग है फिर नैनीताल के उस पर है, और थोड़ा सा मैं आपको नैनीताल के ऊंचाई से नैनीताल की झील दिखाऊंगा कि नैनीताल की झील हमारी कैसी दिखती है, और थोड़ा सा मैं रास्ता दिखाऊँगा कि हमारा जो कॉलेज का रास्ता है ऊपर, मतलब एक गाड़ी रोड है, एक पैदल मार्ग है जहाँ से टू व्हीलर जाता है हमारा। तो आज मैं टू व्हीलर वाले रास्ते से आया हूँ, गाड़ी नीचे मस्जिद से आया हूँ, ऊपर से ऊपर ऊपर आया हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि ऊंचाई से हमारा एक खूबसूरत झील का नज़ारा कैसा दिखता है और कैसा एक व्यू दिखता है। तो अलग अलग जगह से मैं आपको नैनीताल का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज ही मेरा व्यू आप यहाँ से डीएस, जो हमारा डीएसबी कॉलेज है, यहाँ से देखिएगा तो कैसा दिखता है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप करके मत देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए दबा के, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ को और स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारा डीएसबी कॉलेज का टू व्हीलर का रास्ता है, और क्योंकि यहाँ से फोर व्हीलर यहाँ तक तो आसानी से आ सकती है, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि इसके आगे बहुत पतली रास्ता है। तो यहाँ से आज मैं जा रहा हूँ और आपको व्लॉग दे रहा हूँ। तो अभी मैं आपको देने वाला हूँ नैनीताल का एक खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ से भी हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो यहीं से मैं पैदल जाता था और पेपर देने यहीं से जाता था, क्योंकि यहाँ से हमारा घर जो है ऊपर ऊपर पड़ता है, नहीं मार्केट जाने नहीं जा, मतलब मार्केट नहीं जाना पड़ता है, ऊपर ऊपर हम जा सकते हैं। तो और इसके ना ऊपर जंगल ही जंगल आप देख सकते हैं, ये जंगल ही जंगल है और शांत है। इधर भी जंगल और इधर भी जंगल है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ को और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको एक खूबसूरत नज़ारा प्रकृति का। तो ये रास्ता आप लोगों ने देखी नहीं होगी जो पर्यटक हैं, क्योंकि वो नीचे घूमते ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो उन्होंने रास्ता देखी ही नहीं होगी। तो हमने व्लॉग के माध्यम से आज मैं ये रास्ता दिखा रहा हूँ जैसा आप देख सकते हैं, और इस टाइम मैं जा रहा हूँ कॉलेज को। तो ये है रास्ता, आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। तो यह है रास्ता, चलते हैं कॉलेज की तरफ को। तो जैसे इस टाइम मैं चल ही रहा हूँ, कॉमेडी भी करनी चाहिए, और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको ऊंचाई से नैनीताल की झील का नज़ारा और कैसा दिखता है। इस टाइम मैं जा रहा हूँ डीएसबी कॉलेज के पास, जहाँ से मैं पास आउट हो चुका हूँ और जहाँ पढ़ चुके हैं, और बीए मैंने वहीं से करा है। और चलिए चलते हैं आगे की तरफ को, और क्या कहें, आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत नज़ारा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ को। तो आज मैं आपको जो हूँ नई जगह दिखा रहा हूँ, और इस टाइम मैं आया हूँ डीएसबी कॉलेज के पास। एक तो है गाड़ी रोड जहाँ से फोर व्हीलर भी आ जाती है, टू व्हीलर भी आ जाती हैं, और एक है टू व्हीलर की रास्ता जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इस टाइम। और इस टाइम लगभग आज मैं थोड़ा ऊँचाई से नैनीताल की लेक फील्ड दिखा रहा हूँ आपको कि कैसा दिख रहा है। तो इस टाइम मैं डीएसबी कॉलेज पहुँचने वाला हूँ, और थोड़ा वहाँ से ऊँचाई से नैनीताल की लेक दिखाऊँगा कि नैनीताल की लेक कैसी दिख रही है ऊँचाई से। और पैदल ही चलना पड़ रहा है व्लॉगिंग करते हुए, थाई भी लग जा रही है। तो चलिए मैं मिलता हूँ थोड़ा सा आगे और व्यू दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस टाइम मैं आ गया हूँ डीएसबी कॉलेज के पास, और जो मैं बता रहा था आपको फोर, मतलब गाड़ी रोड हमारी ये फोर व्हीलर टू व्हीलर यहाँ से आता है, और सामने हमारा ये है डीएसबी कॉलेज, आप देख सकते हैं ये। और इसी के जस्ट यहाँ से एक व्यू बड़ा प्यारा दिखता है, आप ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पर से। और बोट हमारी आज चल रही है, आप देख सकते, आज आप देख रहे हैं ऊँचाई से कि हमारी नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक कैसी दिखती है और बोट कैसी दिखती है, आप ये देख रहे हैं इस टाइम, ये देख रहे हैं आप कैसे चल रही है।
कुछ इस प्रकार से है। इधर हमारा तल्लीताल का क्षेत्र हो गया और इधर हमारा मल्लीताल का क्षेत्र हो गया, और आप देख सकते हैं कि नैनीताल की लेक। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बोट चल नहीं रही है, की जगह रुकी है, लेकिन बट मुझे देख रहा हूँ कि बोट हमारी चल रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू बड़ा प्यारा दिख रहा है। अगर आपको ऐसा व्यू देखना हो तो आपको ये हमारी कॉलेज रोड में आना पड़ेगा, जो हमारे मस्जिद से ऊपर को आती है, जो सीधे एक तो चली जाती है हमारी सुगाताल कालाडूंगी को, एक आ जाती है हमारी DSB कॉलेज को। इस रोड पे आगे आपको ये दिखेगा नज़ारा, ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको। ये तो आप देख सकते हैं, ये और ये रोड से ही दिखता है। देखिए इस टाइम मैं रोड में ही खड़ा हूँ और रोड से ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा हूँ। तकरीबन अभी 3 बज रहे हैं और आज है 21 फरवरी 2022 और सोमवार का दिन है, मंडे का दिन आज, और इस टाइम तकरीबन 3 बज रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये तो इस टाइम मैं कॉलेज रोड में आया हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ खूबसूरत नज़ारा। तो ये है आज का मेरा व्लॉग। जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम आज मैं ऊंचाई से आपको नैनीताल की लेक दिखा रहा हूँ कि नैनीताल की लेक हमारी कैसी दिख रही है। और तकरीबन आप देख रहे होंगे कि जो छोटी छोटी यहाँ पे बोट हमारी चल रही है तो यहाँ से कितनी छोटी लग रही है, और जब मैं फुटपाथ से बनाता हूँ तो वहाँ से कितनी बड़ी बोट लगती है हमारी। ये तो ये हमारा जो यहाँ से जो हमारा DSB कॉलेज है उसके पास से आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ अपना, और काफ़ी ऊँचाई में आज मैं आया हूँ। तो आज मैं काफ़ी ऊँचाई से आपको नैनीताल की लेक दिखा रहा हूँ। पहले मैंने दिखाया आपको नगर पालिका से आपको DSA फील्ड, और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे नैनीताल की लेक। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे, और जो छोटे छोटे आपको लेक में दिख रही हैं हमारी बोट चल रही हैं। और इधर हमारी जो आप देख रहे हैं फील्ड जहाँ से मैं अपना व्लॉग शूट करता हूँ, सामने फुटपाथ, और इधर से ही हमारी पैडल बोट्स जहाँ से मैं करता हूँ, और हमारा देख रहे हैं आप यहाँ पे फील्ड और नैनापिक। तो ये हमारा एरिया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम नैनीताल की लेक आपको हरी दिख रही होगी, और ये हर बार मैं टास्क देता हूँ आपको कि ये हरी की दिखती है, कभी नीली दिखती है। और जो हमारी एक बोट चल रही है मैं चुन करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये हवा से चलती है, और इसका व्लॉग मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और आप देख रहे हैं कि इस टाइम वेदर बड़ा प्यारा हो रहा है नैनीताल का, और बादल भी हैं तकरीबन, और धूप भी अच्छी खासी है। इधर हमारे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम यहाँ पे धूप नहीं है, लेकिन इधर की तरफ पूरी हमारी धूप है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हो आप, उधर हमारा माल लोड है पूरा ये, और नीचे ही हमारी ना कॉलेज की रोड है गाड़ी की, जहाँ से मैं अभी बता रहा था आपको, 4-व्हीलर यहाँ पर है नीचे, ये दिख रही है। आइए तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, वहाँ से दिखाता हूँ मैं, और यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू है। तो इस रास्ते से मैं आया था, और अभी भी आप देख रहे हो ना, ये जहाँ पे धूप कम आती है वहाँ पे भी अभी स्नोफॉल जमी है, बट ये गंदी हो गई है, ऐसी आपको हिमालय दर्शन में मिलेगी। और ये ठोस हो गई, इसमें पाला पड़ चुका है, फिसलन हो रही होगी काफ़ी, ये देख सकते हैं आप। तो इधर से मैं आया हूँ, अब इधर से मैं जाता हूँ अपनी घर की ओर बढ़ता हूँ। अभी तकरीबन मुझे लगेगा आधा घंटा घर जाने में, और ये देखिए गाड़ी भी जा रही है। और ये था आज का खूबसूरत एक नज़ारा झील का। तो फाइनली अभी यहाँ पे जो है मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया है। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करेगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करूँगा कि आज का जो व्लॉग है मेरा यूनिक था, और मैं अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ यूनिक दिखाने की कोशिश करता हूँ। यूनिक ये था कि आज मैंने ऊंचाई से आपको नैनीताल की झील दिखाई है, और नैनीताल का व्यू दिखाया है, नैनीताल का व्यू कितना प्यारा दिख रहा है ऊंचाई से। तो ये लोग अक्सर आप लोग जो पर्यटक आते हैं वो मिस कर जाते हैं, क्योंकि इधर से वो रुक नहीं पाते हैं, इधर वो घूमने का उनको पता नहीं है ये रास्ता इधर, बट हम लोकल के तो हमें पता है कहाँ से क्या रास्ता जाता है, कहाँ को मिलता है। तो आज मैंने ऊंचाई से अपने व्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया है, और अभी मैं थोड़ा सा बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ कि हमारी फुटपाथ दिख रही है, फील्ड दिख रहा है।
है। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा। आज का ब्लॉग आपको पसंद आता है लाइक करिएगा और मेरे चैनल जिसान अली सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।